हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रैपिड ढांचे के इस वाले एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि वीवो V11 प्रो में जो अप्रैल मंथ का न्यू अपडेट आया है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस और क्या क्या फीचर्स ऐड हुए, ये हम सब लोग आज देखेंगे। इसमें कौन सा सिक्योरिटी पैच अपडेट है, क्या है क्या है, तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाके चेक करें कि हमारा नया अपडेट आया है और उसमें क्या क्या ऐड हुआ है। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा करंट वर्जन है 6.12.18, और अभी जो नया आया है वो है 6.13.1, जो 153 MB का है। तो इसमें सिस्टम में क्या क्या चेंज है, डार्क मोड में क्या क्या चेंज है, अबाउट सिस्टम में क्या क्या चेंज है, वो सब कुछ जानकारी हमें इसमें दी है। तो दोस्तों, डार्क मोड में इन्होंने बोला है कि ऑप्टिमाइज द प्रोसेसिंग इफेक्ट ऑन इंटरफेस एलिमेंट्स फॉर सम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इन डार्क मोड। ये होता है दोस्तों कि डार्क मोड में जो हम जब देखते हो थोड़ा ग्रेज लगता है, तो इन्होंने वो मतलब सेट किया है और सिस्टम में नया सिक्योरिटी और इन्होंने सिस्टम में नया सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट भी डाला है दोस्तों। ये अपडेट डाउनलोड होने में थोड़ा सा देर लगता है, कम से कम 2 से 3 मिनट तो मुझे लगा था, लेकिन 5-6 मिनट लग जाता। तो दोस्तों, अपडेट होने के बाद ये इंस्टॉल होने के लिए 4 से 5 मिनट लेगा। तो आप टेंशन ना लेना, ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, तब तक आप बटन को छूना मत। तो दोस्तों, हो चुका है हमारा फ़ोन ऑन। तो आइए चेक करते हैं इसका अपडेट। हम जाएंगे सिस्टम अपडेट में, देखिए 16.13.1, मतलब हमारा फ़ोन पूरा अपडेट हो चुका है। और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हम वो आगे देखेंगे। तो पहले हम जाएंगे अब सिक्योरिटी पैच लेवल चेक करते इसका। सिक्योरिटी पैच है 1/3/2020, मतलब दोस्तों इसको 1 मार्च का सिक्योरिटी पैच अपडेट आ चुका है। पहले इसको 1 जनवरी का था, अब 1 मार्च का आ चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, V11 Pro को आज भी सिक्योरिटी पैच अपडेट आ रहा है। तो और दोस्तों, जो अभी ये इसका सिक्योरिटी दूसरा पैच डार्क मोड का अपडेट के वो हम चेक बाद करते हैं। दूसरा इसमें चेंजेस था या डार्क मोड में। तो दोस्तों, जो इसके डार्क मोड है इसमें थोड़ा सा ग्रे सा कलर दिखता था, तो इसमें भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन दिख रहा है। आपको शायद से वीडियो में नहीं समझेगा, लेकिन आपको अपडेट करने के बाद जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा। इसमें चेंज तो हुआ है दोस्तों, 101% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 90 से 95% चेंजेस वो दिख रहा है। मतलब डिस्प्ले डार्क मोड में और थोड़ा सा इफेक्टिव दिख रहा है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड।